प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज तू रंगे हाथों पकड़ा जाएगा बच्चू, आज तू बच के नहीं जा सकता। हेलो भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूं। अरे तुम्हारे विंग के गेट की चाबी लेके जल्दी नीचे आओ। अरे सब बताता हूं, तुम पहले नीचे आओ। हाँ, अर्जेंट, इमीडिएटली आओ। हाँ, सब कहाँ गए? मेहता साहब, क्या हुआ? अरे बेटे, मैंने अभी अभी रस्सी से एक आदमी को टेरेस पे जाते देखा। कहाँ? धीरे धीरे धीरे, मुझे लगता है चोरी करने आया। हम टेरेस पे चलते हैं, रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। हम सिर्फ दोनों? एक मिनट, मैं जेठालाल को फोन कर देता हूँ। हाँ, प्लीज। हेलो हेलो जेठालाल, तारक मेहता बोल रहा हूँ। आप आ गए? अरे हाँ भाई, मैं आ गया। तुम जल्दी से बिल्डिंग के टेरेस पे पहुँचो, चोर घुसा है। चोर? क्या, सोसाइटी का टेरेस पे चोर आ गया? माता जी, ये चोर भाई हमारी सोसाइटी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? हाँ बोले माता साहब। जेठालाल, मैं और भिड़े टेरेस पे जा रहे हैं, तुम बाकी लोगों को लेके जल्दी पहुँचो। हाँ ठीक है, मैं भी आया। मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था। अरे तो इतनी रात गए हमारे सोसाइटी में, क्या पूजा करने आया था? हाँ बोल। रंगे हाथों पकड़ा गया ना, इसलिए झूठ बोल रहा है, ये चोरी करने आया था। ए भाई, कौन जी है? अरे बोल, जवाब दे। ये झूठ बोल रहा है। जेठिया जेठिया, ये वही है जो परसों रात को चोरी करने आया था। अरे तो बहस किस बात की, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, बुलाता हूँ पुलिस को। पुलिस के हवाले करो इसको अभी तुरंत। लगाओ, मैं तो सब पुलिस को फोन लगाओ, छोड़ेंगे इसको। पुलिस को फोन मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था। मैं तो आपके यहाँ पानी की मेन लाइन बंद करने आया था। अरे क्यों क्यों? आजकल पानी की कितनी कमी है, फिर भी लोग समझते नहीं, पानी बचाते नहीं। इसीलिए हर रोज मैं अलग अलग सोसाइटी में जाके पानी की मेन लाइन बंद कर देता हूँ। इससे उस दिन वो सोसाइटी को पानी नहीं मिलता है, उससे पानी की बचत हो जाती है। तुम
परसों रात को तू इसीलिए आया था? हाँ मैं कल भी आया था, पर यहाँ पे टेम्पो फंसा था उसके लिए मैं वापिस चला गया। ओए खोतिया तू शिदाई हो गया, पागल हो गया क्या? और नहीं तो क्या। अरे तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तुम्हारी बातें सुन ली, वरना ऐसे मामले में बिना सुने लोग पहले मारते हैं और इतना मारते हैं कि सामने वाला बोलने की स्थिति में नहीं होता। शुक्रिया आपने मुझे बोलने की स्थिति में रखा इसके लिए। चलो मैं चलता हूँ, पानी बचाना। पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना। क्या था क्या ये जल देवता? मतलब इसके विचार अच्छे थे लेकिन तरीका गलत था। गलत नहीं, अजीब तरीका था। सोसाइटियों में जा जाके पानी की मेन लाइन बंद करने का। क्यों? ताकि पानी बचाने के लिए। खामखा बेवकूफ बन गए, इसे चोर समझ रहे थे। बोलो। और उसके चक्कर में हमने फेंसिंग का खर्चा कर दिया। वो भिड़े अभी ये जो गेट का ऑर्डर दिया है ना वो कैंसिल कर देना। हाँ भाई जो पैसा बचा हो। और साथ में पिड़ू वो जो फेंसिंग वेंसिंग कराई है ना वो भी सब उतरवा देना। हाँ जब से ये फेंसिंग लगी है ना सोसाइटी में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है सोसाइटी में भाई, सब कैंसिल कर देना सब। हाँ तुम्हारे बोलने पे कैंसिल कर दूं क्या मैं सब? अरे पूरी सोसाइटी मेंबर्स ने साथ में निर्णय लिया था फेंसिंग लगाने का, अगर पूरे सोसाइटी मेंबर्स की मान्यता होगी तो ही वो फेंसिंग निकाला जाएगा। अरे भाई भिड़े तो सारे सोसाइटी के मेंबर्स खड़े हैं ना यार, हम सब मिलकर बोल देते हैं कि भाई फेंसिंग हटवा दो, क्या बोलते हो सब लोग? हाँ ठीक है मैं कल सुबह ही अब्दुल को बोल के वो फेंसिंग हटवा दूंगा। ठीक है लेकिन लेकिन सुरक्षा के तौर पर जो अपना मेन गेट है वहाँ पे रात को ताला मार दिया जाएगा जिसकी चाबी मेरे पास होगी। अगर रात को कोई लेट आने वाला हो तो वो मुझे एडवांस में इन्फॉर्म करेगा। और सोड़ी खास कर तुम, क्योंकि तुम पार्टी शार्टी करके लेट आते हो इसलिए। हाँ और कोई गल नहीं पिड़ू प्रा, मैं एडवांस में तेरे को इन्फॉर्म कर दूंगा, खुश। चलो भाई चलो चलो। बाबूजी और पानी का नल तो चालू कर दे वरना कल पानी नहीं आएगा भाई। कर दे यार। और पानी ज्यादा वेस्ट मत करना वरना जल देवता फिर आ जाएगा। टप्पू के पापा, ए टप्पू के पापा, चलिए उठिए। थोड़ा सोने दे दे यार। अरे वो रात को जल देवता की वजह से ठीक से नींद नहीं हो पाई, सोने दे भाई। क्या किसकी वजह से? अरे वो चोर को पकड़ने गए थे ना रात को, तो रात की नींद खराब हो गई थी, सोने दे भाई थोड़ी देर। कमाल है, रात को जब चोर भाई आए तब आपके साथ ही मैं उठी थी और जब आप चोर भाई को मिलकर आए तब हम साथ में सो गए थे। तो मैं जल्दी उठ सकती हूँ तो आप जल्दी क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि तू कुकड़ी है। क्या? सुबह हुई नहीं कि कुकड़ा को करके उठी जाती है। तो आप भी कुकड़ा बनकर उठ जाइए ना। अरे हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बबीता जी। अब नहीं, टप्पू के पापा तो अभी सो रहे हैं। उठ गया ला, टप्पू के पापा उठ गए। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं अभी टप्पू के पापा को आपके घर पर भेजती हूँ। अरे अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? बबीता जी से मिलने? नहीं नहीं, बबीता जी घर पर नहीं है। तो कहाँ है? वो डॉक्टर साहब को अय्यर भाई का एक्सरे रिपोर्ट दिखाने गए हैं। तो मुझे उधर डॉक्टर साहब को उधर बुलाए? नहीं नहीं नहीं, आपको बबीता जी के घर पर जाना है। क्यों? वो क्या है, अय्यर भाई पलंग से उठ नहीं सकते ना, तो बबीता जी ने आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ी देर अय्यर भाई का ध्यान रखेंगे। बबीता जी भी गजब है, इसमें रिक्वेस्ट क्या करने की, ये तो पड़ोसी धर्म है। अगर उन्होंने फोन नहीं भी किया होता ना तो भी मैं अय्यर भाई की खबर पूछना जाने ही वाला था। एक काम कर, मैं ब्रश करता हूँ, तब तक तू दो कप चाय बनाकर थर्मोस में भर दे, मैं सुबह की चाय अय्यर भाई के साथ में पीऊंगा। हाँ
ठीक है तो आप अभी चाय लेकर जाइए, बाद में मैं अय्यर भाई के लिए गर्मा गर्म ढोकला लेकर आती हूँ। हाँ बराबर, हाँ ले लीजिए अय्यर भाई, अहमदाबादी कड़क मीठी चाय। थैंक यू। दया भाभी ने एकदम टेस्टी चाय बनाया है। अरे दया तो दया है। क्या बात है, जेठालाल और अय्यर एक साथ, हाँ और वो भी चाय भाई के साथ। वो बबीता जी बाहर गए तो दया ने अय्यर भाई के लिए चाय भेजी, पियेंगे आप चाय? अरे नहीं नहीं, बस 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 बस। अरे अंजलि भाभी आपको भी आए? मैं जेठा भाई आज सुबह ही आई। और माधु भाभी आप भी आज ही आए? हाँ। साहब आप भी आज ही आए हैं? नहीं नहीं, मैं असल में कल रात को लेट आ गया था, लेकिन पूरे दिन बहुत परेशान रहा अय्यर साहब, अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी वजह से आपको चोट लग गई। वेरी बैड, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। नहीं नहीं, असल में अगर जाना जरूरी नहीं होता तो मैं जाता भी नहीं। हाँ। लेकिन मैं अब आपका दर्द मिटा तो नहीं सकता, लेकिन ये मेरी किताब पढ़ के शायद आपका दर्द कुछ कम हो जाए। थैंक यू मैदा साहब, थैंक यू। अय्यर भाई कैसा लग रहा है अब? हाँ अंजलि भाभी अब ठीक है। ये लीजिए आपके लिए, गेट वेल सून। हाँ थैंक यू। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी? अय्यर भाई ये सब अभी आते ही रहेगा, ना नहीं बोलने का ले लेने का। दो दो। तो आइए। अरे बेटा देवा, वैसे अय्यर डॉक्टर ने क्या बोला, ये बैंडेज कितने दिन तक रहने वाला है? आत्माराम कम से कम 15 दिनों तक रहेगा। बाप रे 15 दिन? क्यों आपको अय्यर भाई को कहीं बाहर ले जाना था? जेठा लाल 15 दिन ऐसे ही बेड पे पड़े रहना मतलब कितना कठिन है। हाँ वो तो है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं भाई, हड्डी को टाइम तो लगता है ना वापस जुड़ने में सब। लेकिन अय्यर भाई ज्यादा दर्द तो नहीं है ना पैरों में? माधवी अभी दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग एक साथ आ गए हैं अय्यर भाई की खबर लेने। अब दया भाभी खबर लेने नहीं, खबर पूछने। अय्यर भाई ये लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म ढोकला लेकर आई हूँ। अरे दया भाभी इसकी क्या जरूरत थी? अय्यर भाई मैंने बोला ना ये अभी सब आते ही रहेगा, ना नहीं बोलने का ले लेने का। ला, 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 ला। थैंक यू दया भाभी। देना इधर, मैं हूँ। अय्यर भाई मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक कड़क काढ़ा बना के भेजूंगी, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चांगले है। अय्यर चाहो तो इसको ना बोल सकते हो। अरे टप्पू के पापा चलिए आप जल्दी से नहा लीजिए, हमें मंदिर नहीं जाना है। अरे कौन से मंदिर जा रहे हो भैया? वो मेहता साहब चैत्र नवरात्रि चल रही है ना, तो मैं और टप्पू के पापा बोरीवली ईस्ट में अम्बे माँ का मंदिर है ना वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। अरे वाह, मैं क्या कहती हूँ हम भी माताजी के दर्शन करके आते हैं ना। अरे नवरात्रि और माताजी के दर्शन, भाई नेकी और कुछ कुछ इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। हाँ। और मैं तो कहता हूँ सब चलते हैं, भिड़े माधवी भाभी आप लोग भी चलिए ना। हाँ आइडिया है, मैं कोमल भाभी और रोशन भाभी को भी बता देती हूँ। हाँ। सब साथ में ही चलते हैं। हाँ। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ मजा आएगा, सब साथ में जाएंगे। और वहाँ मंदिर में जाके हम सब अय्यर भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
या नवरात्रि के दिनों में माँ अम्बा जी की आराधना करके जो कुछ भी दिल से मांगते है ना, वो मनोकामना माता जी जरूर पूरी करते हैं। तो आप लोगों को जो कुछ भी मांगना हो वो दिल से मांगिए। हे अम्बे माँ, अय्यर भाई का पैर जल्दी से ठीक कर देना और आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पर बनाए रखना। हे माँ, सिर्फ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बस शांति शांति और परम शांति हो। हे अम्बे माँ, हंस पूना अपना वजन कम करने गए हैं, इस बार उन्हें कामयाब करना। हे अम्बे माँ, हम सब बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है और टीचर एग्जाम में वही सवाल पूछे जो सबसे इजी हो। किसी को भी एग्जाम में फेल मत करना। हम सब बच्चों को परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होने का आशीर्वाद देना। जिसको अच्छे मार्क्स ना आते हो ना, उसको बस पास कर देना। शक्ति की प्रतीक है अम्बे माता। आज नवरात्रि के दिन हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि सबके घरों में सुख समृद्धि शांति और प्रगति हो। प्यार करुणा और इंसानियत का गहना हर घर में हो। हर घर में खुशहाली के दिए जलें और ज्ञान का प्रकाश हर दिशा में फैले। आद्य शक्ति मातेश्वरी, माँ दुर्गा, माँ अम्बे और इनकी आराधना के ये चैत्र नवरात्रि के दिन, इन दिनों में हम सच्चे मन से जो भी मांगते हैं मातेश्वरी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करती हैं। सुख समृद्धि यश कीर्ति प्रतिष्ठा, ये तमाम चीज़ें। और हम भी यही चाहते हैं तारक मेहता की ओर से कि आप सभी के जीवन में सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे और आपके जीवन में बहुत सारी हंसी रहे। रामनवमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, यश कीर्ति समृद्धि ये तो आपके जीवन में मातेश्वरी आशीर्वाद के रूप में देंगे ही और हम देंगे ठहाके, क्योंकि तारक मेहता का प्रांगण हो और वहां ठहाके ना हो ऐसा संभव नहीं है। आपके जीवन से परेशानियां दूर हो ये हम चाहते हैं, लेकिन इन दिनों हमारी सोसाइटी के कंपाउंड में बच्चे बड़े परेशान है क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और अगर बच्चे परेशान है तो माँ बाप उनसे ज्यादा परेशान है और शिक्षक, उनकी परेशानी का आलम तो पूछिए मत। लेकिन आप परेशान मत होइए, इन सब परेशानियों के बीच में आपके लिए हमारे पास एक ही चीज है, हंसी मुस्कुराहट और ठहाके। कल से जो कहानी शुरू हो रही है उसमें हंसने के लिए इतने चौके छक्के हम लगाने वाले हैं कि किसी क्रिकेट मैच में भी आप क्या देखेंगे। देखते रहिए और कल से खास देखिए तारक मेहता की हंसी का प्रीमियर लीग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।